नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। कहते हैं कि एकादशी व्रत करने वालों को जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिलता है। बता दें, एक बार बैसाख माह में जो एकादशी पड़ रही है उसे वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि के वराह अवतार की पूजा की जाती है। मान्यता है कि ये एकादशी भक्तों को कष्टों से मुक्ति दिलाने और मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो आइए आज हम आपको इस वीडियो के वरुथिनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि व महत्व के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं वरुथिनी एकादशी पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि का आरंभ 26 अप्रैल को प्रातःकाल 1:37 पर होगा और इसका समापन 27 अप्रैल को प्रातः 12:47 पर होगा। तो ऐसे में वरुथिनी एकादशी का व्रत 26 अप्रैल दिन मंगलवार को रखा जाएगा। तो वहीं पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:45 पर रहेगा। व्रत पारण का समय 27 अप्रैल को प्रातः 6:41 से सुबह 8:22 तक रहेगा। वरुथिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जितना पुण्य कन्यादान और वर्षों तक तप करने पर मिलता है उतना ही पुण्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। ये एकादशी सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली है। इस दिन व्रत करने से घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से व्यक्ति को अन्नदान और कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। अब आपको इसकी पूजन विधि के बारे में बताते हैं। इस दिन सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं और बाद में भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और साथ ही यथाशक्ति श्री विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। फिर रोली, मूली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से श्री हरि की आरती उतारकर दीप दान करना चाहिए। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और वरुथिनी एकादशी व्रत कथा पढ़ें। फिर दिन भर फलाहार रहने के बाद अगले दिन यानी कि द्वादशी पर ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद व्रत का पारण करें। एकादशी की रात में जागरण करना अनिवार्य माना जाता है। कहते हैं कि रात में किया गया जागरण अधिक फल देने वाला होता है। भक्तों को परनिंदा, छल कपट, लालच की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।